नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ही करीब एक दर्जन से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में चिंता बढ़ी है, लेकिन भूकंप विशेषज्ञों का मानना है कि चिंता की बात नहीं है। छोटे छोटे झटके बड़े भूकंप को टाल देंगे। दरअसल दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के नीचे से कई फॉल्ट लाइनें गुजरती हैं। इनमें हलचल से जब ऊर्जा गुजरती है तो भूकंप आते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। इन क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में 280 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। ये पैटर्न और अध्ययन इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब इस तरह के छोटे छोटे झटके आते हैं तो ऊर्जा निकलती रहती है। यदि किसी क्षेत्र में 100 सालों तक कोई भूकंप नहीं आता तो बहुत बड़े भूकंप की संभावना रहती है। हाल में जो कई छोटे छोटे भूकंप आए हैं वो मूलतः महेंद्रगढ़ देहरादून, रोहतक मुरादाबाद, सोहना फॉल्ट, दिल्ली हरिद्वार मथुरा देहरादून, राजस्थान ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आदि में हो रही हलचलों के परिणाम हैं। इन फॉल्ट लाइनों में कभी लंबे समय तक निष्क्रियता देखी गई है तो कभी कभी हलचलों के चलते छोटे छोटे भूकंप आते रहे हैं। इन भूकंपों का केंद्र जयपुर, रोहतक, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत आदि रहे हैं। ये सभी हल्के भूकंप थे और कम गहराई के थे, इसीलिए समूचे एनसीआर में इनके झटके महसूस किए गए। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप आए हैं। तैयारियों पर कार्य करने की जरूरत है। भूकंप विशेषज्ञ इस पर मानते हैं कि भूकंप चेतावनी भी होते हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि ये बड़े भूकंप के संकेत हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये बड़े भूकंप से हमें बचा लेंगे, लेकिन भूकंप के खतरों को न्यूनतम करने के लिए हमारी जो तैयारियां हैं उन पर काम किया जाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।